हेलो एवरीवन, की हाल चाल? सारे ठीक ठाक हो? अज दा वीडियो आईएलस रीडिंग दा वीडियो बड़ा जबरदस्त बनाऊंगा। सब तो पहली गल मैं वहम कटदा कि रीडिंग औखी सौखी कोई नहीं होंदी, रीडिंग डिपेंड करती होंदी है अपने ट्रिक्स दे उत्ते। मैं तुहानू जिस तरीके नाल पढ़ाऊंगा सेम तरीके नाल तुसी पेपर करके आई हो। रमन शर्मा इत्थे बैठा तुहानू प्रोमिस करदा है तुहाडा डिजायरेबल स्कोर आएगा ही आएगा। बच्चों नू प्रॉब्लम की आउंदी है जदों ओवर थिंक हो जाते हैं, फालतू का पढ़ना शुरू कर देंदे है, पेपर नहीं क्लीयर होंदा। शुरू करदे आ, समय नू खराब नहीं करदे। वीडियो चंगा लग्या जरूर दसियो ते जे माड़ा लग्या तां जरूर दसियो। तो आओ शुरू करिए वीडियो। कहिंदे की आ, सब तो पहला टॉपिक अपने सामने लिखा होया द लाइफ एंड वर्क ऑफ मैरी क्यूरी। एक नेम दिता मैरी क्यूरी की लाइफ ते उहदे जिहड़े भी कम ने उन्होंने लैके आपां गलबात करांगे। तो तुहानू सारे बच्चों नू इह दसदा कि मैरी क्यूरी एक ओह लेडी है जिन्हें एक खोज की सी रेडियम की। रेडियम पता की होंदा? जिवें अपने ट्रक होंदे आ उन्हां दे उत्ते ना स्टिकर लगे होंदे आ, आपां गड्डी च जा रहे होंदे आ पिछों लाइट पैंदी आ, उह किन्ना चमकदे ने। नेरे दे विच जिहड़ी चीज़ नूं चमकाउणा उह रेडियम है। किहड़े किहड़े बच्चे ने छोटे होंदे एक ओह वाली घड़ी बन्नी सी जिहनूं तुसीं एवें करके देखदे होंदे सी, एवें करके ते बाद चो कहिंदे ओह तेरी लाइट जगदी है, ओह चीज़ ओह रेडियम है। ते ओह किहने बणाई? ओह मैरी क्यूरी है उहने बणाई। इहदे क्वेश्चन ने, फिल इन द ब्लैंक ने, समें नूं खराब नहीं, शुरू करदे आ। सब तो पहली चीज़ कुछ आपां जदों भी किसे बच्चे ने फिल इन द ब्लैंक करने है, सब तो पहला ये पढ़ो इंस्ट्रक्शन। इन्हें की दिता होया? वन वर्ड ओनली। तो आपां नूं पता है कि इको वर्ड दे विच अपना आंसर होएगा। तो बहुत स्माइल करो, तो स्माइल करते करते आपां पढ़ांगे। तो तुहाडी स्माइल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं की टॉपिक हैगा। जी हाँ, मैरी क्यूरी की रिसर्च की गल है रेडियो एक्टिविटी की, वन वर्ड ओनली। चलो क्वेश्चन की है, कहिंदा इन 1911 1911 जदों कोई डिजिट होंदा तां अपने कोल कीवर्ड सौखा मिल जांदा है। मैरी क्यूरी रिसीव्ड रिकोगनेशन फॉर हर वर्क ऑन द एलीमेंट डैश। तोड़ सकते हैं 1911 दे विच मैरी क्यूरी ने प्राप्त किया, रिसीव किया रिकोगनेशन। मतलब क्यों क्या वह मशहूर हो गई, उन्हों लोग पहचानन लग पे। उहदा जिहड़ा वर्क सीगा उहने अपने काम दे विच किहड़ी चीज़ नूं बनाया सी। हुण अपने कोल कीवर्ड की है कि जिथे 1911 मिल जाए, उहदी कोई मशहूर होण दी गल मिल जाए, उहदा काम मिल जाए, है ना, मैरी क्यूरी मिल जाए। आपणे इह देखणा है वी 1911 दे विच मैरी क्यूरी ने एवें दा की बनाया जिहदे करके उह पहचान होगी, जिहदे करके उह मशहूर होगी, है ना। सब तो पहला 1911, तो 1911 लभना बहुत सौखा होगा मेरे स्टूडेंट्स, तुहाडे सारयां सामने आ पिया। मतलब पहली चीज़ आ पिया 1911। देखो कीवर्ड एवें लभ जांदा है, वो फालतू नहीं पढ़ना। रीडिंग च मैं एंड करा दूंगा, तुसी कहोगे रीडिंग नूं तां मैं चब जूंगा, कच्चा चब जूंगा ते भजदे फिरोंगे। आओ 1911 दे विच शी वॉज अवॉर्डिड, उहनूं अवॉर्ड मिलिया द नोबल प्राइज़। हुण देखो जिहड़े बंदे नूं नोबल प्राइज़ मिलिया वो डेफिनेटली वो उहदी रिकोगनाइज तां होगा ना, वो मशहूर तां होएगा ही। 1911 दे विच उहनूं नोबल प्राइज़ मिलिया कैमिस्ट्री दे लई फॉर द आइसोलेशन ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ रेडियम। मतलब की है कि उहने 1911 दे विच एक रेडियम बनाया सी ते जिहदे करके उहनूं नोबल प्राइज़ मिलिया। आपां नूं उहनां ने क्वेश्चन च की पुछिया 1911 दे विच किहड़ी चीज़ ने उन्हें मशहूर करिया ते उन्हें की बनाया सी? एक्यूरेट आंसर है रेडियम, उन्हें रेडियम बनाया सी, फस्ट आंसर। कोई डाउट होवे क्वेश्चन नाल दी नाल कमेंट च पुछ लियो, मैं हेल्प कर दूंगा। सैकेंड मैरी एंड आयरनी क्यूरी, शाबाश। हुण दो नाम हो गए, लोकेशन सौखी मिल जूगी। डिवेलप्ड एक्स रेडियोग्राफी, लो जी आ वर्ड तो शरेआम मिलेगा ही मिलेगा। कहिंदा मैरी क्यूरी ते आयरन क्यूरी जिहड़ियां दोने ने इन्होंने डिवेलप की एक्स रेडियोग्राफी नूं, विच वॉज यूज्ड एज अ मैडिकल टैक्नीक फॉर डैश। ध्यान नाल सुनो, बच्चों का स्कोर नहीं आता क्योंकि उन्होंने बेचारे ट्रांसलेशन नहीं करनी आती, पर मेरे स्टूडेंट नूं मैं इन्नी गल समझाउना, वो तोड़ के पढ़ो, तोड़ के छोटे छोटे अक्षर नूं पढ़ सकते हैं। मैं तुहाडी जगह ते होऊंगा, मैं पता की करूँगा, मैं सब तो पहला देखूंगा मैरी ते आयरनी क्यूरी की गल हो रही होवे, उन्होंने एक्स रेडियोग्राफी नूं डिवेलप करिया होवे, ते जिहड़ी एक्स रेडियोग्राफी वरती जाती सी, यूज़ की जाती सी,
मेडिकल टेक्नीक फॉर आहा इन्हां लोकां दे लई ओह चीज़ नूं वरत्या जांदा सीगा। तां आओ आपां किवें करांगे। सब तो पहले नंबर ते मेरे माइंड च देखो कीवर्ड, कीवर्ड सारे बच्चों पता होना चाहिए है कि रमन सर आ शरेआम आ पिया एक्स रेडियोग्राफी पहला मिल गया, दूजा मैरी क्यूरी पुत आ पे है ते उदी डॉटर आ पई है ते आपां नूं पता लग गया भी माती ने उह दोने। पढ़ के देखिए भी किन्ना दे लई उन्होंने एक्स रेडियोग्राफी नूं बनाया। कहिंदे ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट मैरी क्यूरी विद द हैल्प ऑफ हर डॉटर आयरनी, मतलब मैरी क्यूरी माँ है जिहड़ी आयरनी उहदी धी है उहदी डॉटर है, दोनों ने की किया डिवोटेड हर सैल्फ, उन्होंने अपना पूरा टाइम दिता टू द डिवेलपमेंट ऑफ द यूज एक्स रेडियोग्राफी, मतलब उन्होंने दोनों ने जोर ला के एक्स रेडियोग्राफी नूं बनाया। इनकलूडिंग द मोबाइल यूनिट्स विच केम टू बी नॉन द लिटल क्यूरीज, उन्होंने जी चीज़ बनाई से लोग लिटल क्यूरीज भी कहते सी, ध्यान नाल देखो यूज्ड, आपने देखना सी ना किन्ना दे लई वरत्या जांदा सी, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाउंडेड सोल्जर, मतलब की है कि जिहड़ी चीज़ उन्होंने बनाई सी एक्स रेडियोग्राफी उन्होंने डिवेलप किया सी किन्ना दे लई वरत्या जांदा सी वाउंडेड सोल्जर दे लई। वाउंडेड पता की उन्होंने जख्मी, जिहड़े जख्मी हुए सिपाही हुंदे ने ना उन्हां दे लई एक्स रेडियोग्राफी नूं वरत्या जांदा सी। देखो क्वेश्चन ने आपां नूं पुछिया सी मैरी क्यूरी ते आयरनी क्यूरी ने एक्स रेडियोग्राफी नूं डिवेलप किया, ये वरत्या जांदा सी मैडिकल टेक्नीक फॉर सोल्जर, ये सोल्जर दे लई वरत्या जांदा सी। दो क्वेश्चन हो गए, थर्ड देखो की है, कहिंदा ये थोड़ा टिपिकल है पर समझा दूंगा ठीक है। कहिंदे मैरी क्यूरी सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ कलैक्टिंग रेडियो एक्टिव, कहिंदे मैरी क्यूरी नूं समझ आ गई सी, उन्हों पता लग गया सीगा इंपॉर्टेंस कादी वी रेडियो एक्टिव, जिहड़ा रेडियो एक्टिव है इनू कट्ठे करना कलैक्ट करना मटीरियल नूं बोथ फॉर दोवां दे लई रिसर्च एंड फॉर केसिज ऑफ डैश, ये आंसर बड़ा तरीके नाल समझा के दिखाउंदा तुहानूं। कहिंदा मैरी क्यूरी नूं पता लग गया सी इंपोर्टेंस के कलैक्ट करने अपने किनू रेडियो एक्टिव मटीरियल नूं इकट्ठा करने का, क्योंकि नंबर एक ते ये रिसर्च दे लई वरत्या जांदा है एंड ते दूजी चीज़ देखनी है भी ये की दे लई वरत्या जांदा है। तो मैं कीवर्ड दे सहारे ते जे तुहाडे कोल गल करदा तां मैनूं मैरी क्यूरी कोई इकट्ठा करना कलैक्ट रेडियो एक्टिव नूं करना तां तुहाडे सामने शरेआम तुहानूं आंसर दिंदा मैं। लुक इन्होंने दिता होया रेडियो एक्टिव पिया आ, मतलब पहला कीवर्ड मिल गया रेडियो एक्टिव, मैरी क्यूरी दूजे नंबर पर पिया आहा, दो चीज़ा एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट करना कट्ठे करना, कम्यूलेट करना कट्ठे करना अंडरस्टूड करना उन्हों समझ आ जाना, सारी लोकेशन मिल गई। हुण आपां नूं ये पता है भी एक तो रिसर्च दे लई वरतदे सी ते दूजा कादे लई वरतदे सी ठीक है। कहिंदा वन ऑफ मैरी क्यूरीज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वॉज टू हैव अंडरस्टूड द नीड टू अकमूलेट इंटेंस रेडियो एक्टिव सोर्स, कहिंदे उन्हूं समझ आ गई सी भी आपां जिहड़ा रेडियो एक्टिव है इनू आपां इकट्ठे करना है। हुण आपां देखना भी किहड़ियां दो चीज़ां लई उन्हूं वरतदी सी। कहिंदा नॉट ओनली टू ट्रीट इलनैस, इहदे नाल कल्ली इलनैस ट्रीट नहीं हुंदी बट ऑलसो टू मेनटेन एन अबंडेंट सप्लाई फॉर रिसर्च। हुण आपां नूं ये पता लग गया भी एक तो इहदे नाल रिसर्च है जिहड़ी ओह हुंदी है ते दूजा इहदे नाल की है जिहड़ी ट्रीट करदे ने, की चीज़ नूं ट्रीट करदे ने इलनैस नूं। तुसीं गौर करके देखो आपां नूं क्वेश्चन च की दिता होया सी वी रिसर्च एंड डैश, ये की किया पहला आंसर दिता तो बाद चो रिसर्च दसता, देखो किन्ना घुमा के तुहानूं कीता होएगा। इन्होंने कहा आपां नूं उरे पढ़े तो बाद पता लग गया बच्चे कि देखो ये आपां नूं पता लग गया भी मैरी क्यूरी रेडियो एक्टिव नूं उरे तक उन्हें इकट्ठा करना शुरू करता सी है ना, अंडरस्टूड कर लिया सी। आपां नूं की चाहिए सी भी एक तां रिसर्च दे लई यूज़ हुंदा सी ते होर कीड़ा, ये जिहड़ा सेंटेंस इन्होंने बनाया ना नॉट ओनली बट ऑलसो वाला बनाया गा, इन्हें कहा भी इहदे नाल एक तां इलनैस नूं ट्रीट करिया जांदा है ते दूजा रिसर्च करी जांदी है। तां आपणे कोल की होया कि रिसर्च करी जांदी है एक तां एंड ते होर की करया जांदा है इलनैस, दो हो गए अपने अपने क्लीयर करता। तुसी ये देखो कि हरेक क्वेश्चन दे विच मेरे कोले कीवर्ड है, गौर मार के भी देख सकते हैं। पहले का कीवर्ड आपां 1911 तो लभ लिया सी, दूजे का एक्स रेडियोग्राफी तो लभ लिया सी, तीजे का अपने रेडियो एक्टिव तो लभ लिया सी,
कीवर्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਚਲੋ ਇਹ ਚ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਕਡ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਟੂ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ 1930s ਮਤਲਬ ਇਹ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਵਟ ਵਾਜ ਨੋਨ ਐਜ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀਵਰਡ ਆ ਪਿਆ ਪੈਰਿਸ ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ 1930 ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪੈਰਿਸ ਐਟ ਦਾ ਰੇਡੀਅਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਸਟਾਕ ਆਫ 1.5 gram ਮਤਲਬ 1.5 gram ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਆਫ ਰੇਡੀਅਮ ਮੇਡ ਆ ਡਿਸੀਜ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ ਅਰਾਊਂਡ 1930 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਵਰਕ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਦਾ ਨਿਊਟਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ ਕਾਹਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਿਸ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਰ ਰਿਸਰਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੀ ਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਝੇਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਟਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਟਣਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝੇਲਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਂਸਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਇਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਡਾਇਡ ਓਹੋ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਟੂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਸਰ ਕਰੇ ਵਨ ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀ ਸੀ ਰੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਅਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕੀਵਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1911 ਸੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨੇ ਐਕਸ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਸੋਲਜਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੀਜਾ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਨਿਊਟਰੋਨ
ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਕਿਊਰੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟੱਚ ਚਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਲਿਊਕੇਮੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਐਂਸਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਉਣ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਮਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।